गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा ई बैंकिंग में आज हम करेंगे ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसका बेटा शॉर्ट नेम है एटीएम। क्या करेंगे आज? ई बैंकिंग में ऑटोमेटेड टेलर मशीन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटीएम से। एटीएम है क्या? इट रेफर्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल दैट अलाउज पीपल विद प्लास्टिक कार्ड टू परफॉर्म सिंपल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस 24 आवर्स अ डे विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन टेलर। एटीएम बेटा एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल का टर्मिनल है जो लोगों को अलाउ करता है कि एक प्लास्टिक के कार्ड की हेल्प से सिंपल वाली जो बैंकिंग ट्रांजेक्शंस हैं वो हम दिन के 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं बिना किसी व्यक्ति की हेल्प के लिए। बिना किसी व्यक्ति की हेल्प के हम बैंकिंग के ट्रांजेक्शंस को दिन के 24 घंटे में कभी भी कर सकते हैं, जिसमें प्लास्टिक का कार्ड हमारी सिंपल बैंकिंग के ट्रांजेक्शंस को करने में हमारी हेल्प करेगा। और ये मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल की तरह रोल प्ले करती है। तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल है जो लोगों को अलाउ करता है, लोगों को इजाज़त देता है कि वो प्लास्टिक के कार्ड की हेल्प से सिंपल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस को दिन के 24 घंटे में कभी भी बिना किसी व्यक्ति की हेल्प के की जा सकती हैं। मनी कैन बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड बाय इंसर्टिंग द कार्ड। कार्ड को इंसर्ट करके मनी को निकाला भी जा सकता है और मनी को डिपॉजिट भी किया जा सकता है। उसके बाद बेटा एंड एंटरिंग योर, यहाँ पर आपने क्या करना है? अपना जो पर्सनल लेवल का पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने यहाँ एंटर करना है। क्या? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का वो नंबर मांगेगा जिसे हम पिन कहते हैं, वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। द एटीएम इज गेटिंग पॉपुलर एवरी डे। आज के टाइम में बेटा डे बाय डे की जो हम रोज रूटीन की ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं इसमें एटीएम डे बाय डे पॉपुलर होता जा रहा है। तो इसका मतलब पिन की हेल्प से जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसकी हेल्प से कार्ड को इंसर्ट करके मनी को विड्रॉ भी किया जा सकता है और मनी को डिपॉजिट भी किया जा सकता है। एटीएम है क्या? एक इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल है जो लोगों को अलाउ करता है कि प्लास्टिक कार्ड की हेल्प से जो सिंपल लेवल की बैंकिंग ट्रांजेक्शंस हैं वो दिन के 24 घंटे में हम कभी भी बिना किसी व्यक्ति की हेल्प के कर सकते हैं। उसके बाद बेटा ई बैंकिंग में एटीएम के बाद हम करेंगे डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड क्या है? इट रेफर्स टू अ प्लास्टिक कार्ड दैट अलाउ द बैंक टू टेक मनी फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट एंड ट्रांसफर इट टू अ सेलर अकाउंट। बेटा डेबिट कार्ड भी एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो बैंक को अलाउ करता है कि वो कस्टमर के अकाउंट से पैसा ले लेगा और बेचने वाला जो सेलर है उसके अकाउंट में पैसे को शिफ्ट कर देगा। फिर से सुन लीजिए, प्लास्टिक कार्ड क्या है? जिसमें बैंक हमें
जिसमें बैंक हमें अलाउ करता है कि कस्टमर के अकाउंट से मनी को ले लो और सेलर के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर दो। अब बेटा इसके एक एग्जांपल भी डेबिट कार्ड का बताया जा सकता है कि डेबिट कार्ड का एग्जांपल क्या है। जैसे बेटा कस्टमर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज ऑब्टेंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज डेबिट कार्ड प्रोवाइडेड द टर्मिनल फैसिलिटी इज अवेलेबल विद द सेलर। मतलब डेबिट कार्ड के जरिए वो सेलर के अकाउंट में पैसा अपने अकाउंट से शिफ्ट कर देगा। तो डेबिट कार्ड जो प्लास्टिक का कार्ड है इसे बैंक अलाउ करता है कि मनी को कस्टमर के अकाउंट से निकाल कर सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड मनी कैन आल्सो बी विड्रॉन फ्रॉम द एटीएम। डेबिट कार्ड की हेल्प से एटीएम में से पैसा विड्रॉ भी किया जा सकता है। इसका मतलब एटीएम से पैसा विड्रॉ करने में भी यहाँ पर डेबिट कार्ड जो प्लास्टिक का कार्ड है ये हमारी हेल्प करता है। उसके बाद है बेटा क्रेडिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड बेटा बैंक को अलाउ करता था और क्रेडिट कार्ड कस्टमर को अलाउ करेगा क्या। इट रेफर्स टू अ प्लास्टिक कार्ड, ये भी प्लास्टिक का कार्ड है, दैट अलाउ द कस्टमर, ये कस्टमर को अलाउ करेगा क्या टू बाय नाउ एंड पे बैक द लोन अमाउंट टू बैंक एट अ फ्यूचर डेट। ये कस्टमर को क्या अलाउ करता है कि एट ए टाइम कुछ भी खरीदना है तो खरीद लो लेकिन पैसा वापस करना होगा एक लोन के अमाउंट के रूप में फ्यूचर की डेट को। फिर से सुन लीजिए, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड है जो कस्टमर को अलाउ करता है कि एट ए टाइम कुछ भी खरीदना है तो खरीद लो, यदि तेरे पास तुम्हारे पास पैसा नहीं है आप पैसे को बैक करोगे वापस कब करोगे एक लोन अमाउंट के रूप में, एक ऋण के अमाउंट के रूप में बैंक को फ्यूचर की डेट को, कल की किसी भी डेट को आप उस पैसे को वापस कर सकते हो। इसका मतलब ये लोन के रूप में है जो कस्टमर को ये फैसिलिटी देता है। कौन सा कार्ड? क्रेडिट कार्ड। द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक, इस क्रेडिट कार्ड पे इशू करने वाले बैंक का नाम होता है। नेम ऑफ द होल्डर, होल्डर का नाम होता है। हिज आइडेंटिटी अलोंग विद द डेट ऑफ वैलिडिटी आर इंस्क्राइब्ड, इसके ऊपर कब तक ये वैलिड होगा उसके डेट उसकी आइडेंटिटी के साथ दी होती है किसके ऊपर, ऑन द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पे इशूइंग बैंक का नाम, होल्डर का नाम, उसकी आइडेंटिटी उसकी वैलिडिटी के साथ कब तक की डेट की है वो भी क्रेडिट कार्ड पे मेंशन होता है। तो ये फोर्थ था हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड उधार के लिए क्रेडिट कार्ड कस्टमर को इशू किया जाता है। उसके बाद फिफ्थ है टेली बैंकिंग। बैंकिंग का काम, जितना भी बैंकिंग का काम है टेलीफोन पे भी किया जाता है जिसे हम टेली बैंकिंग कहते हैं। अ कस्टमर कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस इन हिज अकाउंट। कस्टमर को अपने अकाउंट का बैलेंस देखना है और इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट ट्रांजेक्शन ऑन द टेलीफोन, और लेटेस्ट लेवल की क्या क्या वो ट्रांजेक्शन कर सकता है उसकी भी यदि उसे कस्टमर को इंफॉर्मेशन चाहिए तो कस्टमर ये इंफॉर्मेशन टेलीफोन के जरिए ले सकता है। तो टेली बैंकिंग में कस्टमर टेलीफोन पे कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसे चाहिए, अपने बैलेंस के बारे में पूछना है कि कितना बैलेंस अकाउंट मेरे पास है, या लेटेस्ट लेवल की वो ट्रांजेक्शन कैसे कैसे कर सकता है वो
वो इंफॉर्मेशन भी कस्टमर टेलीफोन के जरिए जो लेता है उस बैंकिंग को टेली बैंकिंग का नाम दिया जाता है। तो आज के टॉपिक में हमने इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज में ई बैंकिंग में हमने बेटा पहले किया है एटीएम, उसके बाद हमने किया डेबिट कार्ड, उसके बाद हमने किया क्रेडिट कार्ड और लास्ट हमने किया टेली बैंकिंग। थैंक यू बेटा।